हेलो गाइस, तुम लोगों का स्वागत है रैन सिमुलेटर के और एक ब्रांड न्यू वीडियो पे। तो गाइस, आज हम फिर से खेलने वाले रैन सिमुलेटर। तो लास्ट वीडियो अपलोड किया है मेरा, अभी 6 दिन हो चुके हैं। एंड गाइस, इन 6 दिनों में मैं पूरे गेम को थोड़ा सीखने की कोशिश कर रहा था। एंड गाइस, बहुत सारे पैसा इकट्ठा किए मैंने। एंड गाइस, देख सकते हो सामने जो पूरा जो जंगल था सामने, मैंने पूरा का पूरा जंगल खाली कर दिया। एंड बहुत सारे प्लैंक्स थे। एंड गाइस, देख सकते हो यहाँ पे मैं बहुत सारे प्लैंक को इकट्ठे कर लिया हूँ। एंड गाइस, मेरे पास पैसे भी बहुत सारे हैं। अच्छा, 7,000 है। मैं बहुत सारे कैसे बोल रहा पता नहीं। तो गाइस, मैंने बहुत मतलब टाइम लगा कि इतना सारा पैसा इकट्ठा किया है एंड इतने सारे प्लैंक को तोड़े हैं। एंड पीछे भी देख सकते हो कितने सारे प्लैंक के टुकड़े पड़े, सॉरी काट के टुकड़े पड़े हैं। इन्हें भी हम लोग बाद में प्लैंग में कन्वर्ट करेंगे। एंड फिलहाल मेरा जो ये फार्म देख रहे हैं, इस फार्म में मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसे सुअर का चास करूँगा। इसमें मेहनत की है गाइस, फिर जाके ये वाला जो मतलब पूरा घर है इसमें बना पाया, क्योंकि मेरे पास प्लैंग की बहुत कमी थी। तो गाइस, कोई ना, अब तो मेरे पास प्लैंग ही प्लैंग है। एंड गाइस, आप आएगा मज़ा। एंड गाइस, यहाँ पे हम लोग, मैं थोड़ा सा जितने भी थोड़ा मेरा काम बाकी हो थोड़ा कंप्लीट कर लेता हूँ। एंड गाइस, उसके बाद जाएंगे हम लोग सुअर को ख़रीदने के लिए। एंड गाइस, मुझे सुअर को खाने मतलब खाने के लिए उसे कुछ देना पड़ेगा, जो फीड होता है ना, वो फीड भी चाहिए मुझे। तो मैं थोड़ा दाने तो लेकर आया था, मेरे जो वेयर हाउस है ये नील वाली, वहाँ पर मैं थोड़ा तो रख के आया था। पता नहीं, मुझे शायद से और थोड़ी मतलब खाने की ज़रूरत पड़े। एंड गाइस, देखिए पूरा खाली है। अच्छा, अबे एक भर कैसे जा रहा है पता नहीं मुझे। एंड ये रहा हम लोगों का एक वाटर का डब्बा। तो गाइस, मुझे बहुत सारे मतलब अभी बहुत सारे खाने लाना पड़ेगा, मतलब फीड के लिए, सुअर के लिए। गाइस, मेरा जो सुअर जो होंगे ना, वो कितना खाना खाएगा वो तो मुझे पता नहीं। तो गाइस, मुझे और भी थोड़ा खाना मतलब मैं गोदाम पर रखा आया था। तो गाइस, गोदाम से मुझे थोड़ा खाना मिला। गाइस, यही लास्ट पैकेट बचा था खाने के लिए। एंड गाइस, मैं एक बात बताऊँ ना, मैं देखो रैन सिमुलेटर में पहले क्या करते हैं ना, लोग पहले चिकन को फार्म करते हैं, ठीक है, उसके बाद जाके सुअर, उसके बाद गाय को ले आते हैं। तो मैंने पहले ही जाके सुअर को फार्म कर रखा है। मुझे इतना मज़ा आ रहा है ना सुअर सुअर बोलने में, क्या बताऊँ। बेसिकली पिग फार्म करेंगे इन इंग्लिश, वी आर गोइंग टू फार्म पिग। अबे छोड़ो, काहे कहेंगे, अबे मेरा बकेट का गया, अच्छा यहाँ पर रह गया। देखिए, और 8 प्लैंक लगेंगे इसे बनाने के लिए। एंड गाइस, इसके बाद हम लोग जाएंगे सुअर खरीदने के लिए। तो पैसे मेरे पास है $7,000। तो गाइस, उनमें से हम लोग काफ़ी मतलब खरीद सकते हैं, लेकिन एक दिक्कत है कि मेरा जो गाड़ी है ना, उसमें कैपेसिटी बहुत ही कम है। तो गाइस, अभी जाएंगे हम लोग सुअर को खरीदने के लिए। एंड गाइस, इसे ट्रेलर के यहाँ पर, अभी यार मेरे इतने सारे बकेट है तो मैं ध्यान ही नहीं दिया। चलो, इसे भी हम लोग यहाँ पर रख देते। गाइस, मैं ना यार सोच रहा हूँ कि मेरा जो एक छोटा सुअर हाउस है उसे मैं मेरे फार्म के आजू बाजू में बनाऊंगा, क्योंकि जब किसी चीज़ की दिक्कत हो ना तो आसानी से मिल जाती है, इसलिए। अभी मुझे गाय का भी मतलब कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं अभी पिक को ले आता हूँ, एंड उसके बाद जो पैसे मिलेंगे उससे हम लोग खरीदेंगे गाय। एंड मेरा जो मेन काम था चिकन का फार्म बनाना, वही मैंने नहीं किया, मैं सीधा सुअर बनाना चला गया। सुअर को चास करने के लिए, सुअर, अभी कितना अजीब सा लग रहा है सुअर सुअर करने में। एंड अभी जाएंगे हम लोग, अच्छा अभी दिन का 3 बज चुके हैं, गाइस 3:30 बज चुके हैं। पता नहीं मेरा शॉप बंद ना हो जाए, अभी तो फिलहाल दोपहर ही है। चलो कोई ना, गाइस पता है क्या होता है, मैं ना टाइम ना देखे चला जाता हूँ शॉप पे। तो आएंगे शॉप पे, क्या होता है सारा पूरा का पूरा दुकान बंद रहता है, मुझे फिर से आना पड़ता है टाइम देख के। वैसे मैंने काफ़ी सारी गलती कर दी थी पिछली बार। एंड गाइस, यहाँ पर देख सकते हो मैंने कुछ सुअर को यहाँ पे ख़रीद के रखा था। एंड गाइस, क्योंकि मेरा जो फार्म तो रेडी नहीं हुआ था, तो मैं सुअर को यहाँ पे छोड़ के गया था। 2 मैं लूँगा मेल एंड 2 लूँगा फीमेल। अच्छा नहीं, पहले मैं 1 लेते हैं, ठीक है, पहले 1 मेल लेते हैं 1 फीमेल लेते हैं, क्योंकि मेरा गाड़ी जो है ना उस पर कैपेसिटी बहुत ही कम है। तो चलो अभी जाते हैं, यहाँ पे लोड करना पड़ेगा अभी शायद। हाँ जल्दी आ, गाड़ी में बैठ जा बाबा। हो गया, ये शायद हम लोगों का फीमेल होगा, ये फीमेल वाला है। एंड गाइस, एक बड़ा ट्रक मिलता है पता है, वो मुझे लाना पड़ेगा शायद, क्योंकि वरना बहुत टाइम लग जाएगा। एंड मैं सोच रहा हूँ कि मेरा जो ये जनरल शॉप है ना, इसके आजू बाजू मैं एक फार्म खोलूँगा, तो यहाँ से खरीदो यार, वहाँ पर जाके उनको पालो पूछो, तो कोई झंझट ही नहीं रहेगी। अभी इतना बड़ा गाड़ी, मैं सिर्फ 2 ही को यहाँ पे पिकअप कर सकता हूँ। चलो कोई ना, अब यार शांति से जा रहे बाबा।
इनके समय एक चीज़ तुम लोग बता देना चाहता हूँ कि मेरा हिंदी थोड़ा वीक है, तो थोड़ा तुम लोग प्लीज एडजस्ट कर लेना, मैं धीरे धीरे इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलो अभी फिलहाल गेम पे फोकस करते हैं। आ जाओ भाई साहब। अबे कहाँ भाग रहा है, इधर आ, इधर 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 आ। ये रहा तेरा नया घर, यहाँ पे तो घूम फिर कोई कुछ नहीं कहेगा। अबे कहाँ जा रहा है, अबे बाप रे बाप क्या हो रहा है। अबे बंद कर बंद कर बंद कर बंद कर बंद कर, भाग जाएगा भाग जाएगा। अबे मेरा दो पिक आ चुके हैं गाइस, मुझे लगता है मुझे और भी थोड़ा लाना चाहिए क्योंकि मेरे पास जगह बहुत है। एंड गाइस इन लोगों को खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पर भी कुछ लोग एक थोड़ा खाने के लिए बकेट रख दूंगा बाद में आके। तो मैं जल्दी से जाकर और एक पिक को ले आता हूँ, मतलब सॉरी और दो लिक को लेकर आता हूँ। एंड उसके साथ साथ मुझे कुछ खाने के लिए भी लाना पड़ेगा, जो लोग वो खाते हैं उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा अभी। तो लेंगे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे काफ़ी सारे वुडेन का मतलब लकड़ी पड़ी है, उन्हें भी काटना पड़ेगा। तो गैस मैंने और दो सुअर यहाँ पे, तो गैस मैंने और दो पिक यहाँ पे खरीद लिया गैस, एक मेल और एक फीमेल। तो गैस इनमें से, इन दोनों में से जो बच्चे होंगे गैस उन्हें भी हम लोग बेच सकते हैं शॉप में, हम लोग जनरल स्टोर पर जाके। तो गैस उन्हें बेच के भी हम लोग पैसे कमा सकते हैं गैस। इनका जो मीट है वो भी हम लोग, अब यार कहाँ भाग रहा है। एंड गैस इनका लोगों का जो मीट है ना, वो हम लोग रेस्टोरेंट में जाके काफ़ी महंगे दाम पे बेच सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर चार पीक ला चुके हैं। अरे यार मैं तो खाना लेना भूल गया, तो मुझे फिर से खाना लेने जाना पड़ेगा। चलो गैस फिर से जनरल स्टोर पर जाते हैं, जल्दी से खाना लेके आते हैं गैस, क्योंकि मेरा जो शॉप है वो शायद बंद ना हो जाए। तो भाई साहब खुला गया, मैंने सोचा था कि शाम हो चुका है गाइस, अभी शॉप बंद होने ही वाला था। तो गाइस एकदम बंद होने से पहले पहुंच गया। तो गाइस यहाँ पे अच्छा, हम लोगों को मुर्गी का भी फार्म एक बनाना पड़ेगा छोटा सा। तो अभी क्या करेंगे यहाँ पे, अच्छा खाना लेना पड़ेगा, फूड एंड वाटर। तो गाइस वाटर टैंक मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए, अच्छा दो ले लेते हैं। गाइस मुझे बहुत सारे वीट चाहिए क्योंकि मेरे जो पीक है ना, उन पीक बच्चे देंगे तो बच्चे को भी खाने के लिए कुछ चाहिए होगा। तो गाइस मैं बहुत सारे तो नहीं, मैं कितना तीन, अच्छा पांच ले था, अच्छा पांच नहीं ले सकते शायद क्योंकि मेरा गाड़ी में जगह नहीं होगा। एंड गाइस अगर और कुछ पैसे इकट्ठे हो जाए तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं जाके ना वो एक बड़ा सा ट्रक होती है ठीक है, मैं वो खरीद लूँगा, क्योंकि देखो इतना सारा काम करना पड़ रहा है। तो गाइस थोड़ा बहुत मतलब जगह चाहिए सारे सामानों को एक साथ ले जाने के लिए। ऐसे यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर भी और एक सुअर हम लोगों का मरा पड़ा है। एंड इनका भी मीट मुझे जल्दी से इकट्ठा करना पड़ेगा वरना ख़राब हो जाएगा। एंड गाइस मैंने देखा था कि कुछ वीडियोस पे यहाँ पे भालू भी आते हैं गाइस, मैंने तो अभी भालू का सामना किया नहीं है। तो गाइस इन फिलहाल इन फ्यूचर को शायद हो सकता है। एंड गाइस पानी के डब्बे को कहाँ रखे, अच्छा इसका आजू बाजू में रखते गाइस, क्योंकि कब काम आए पता नहीं। लेकिन मैं जब बोल रहा था, मैंने इस फार्म के पीछे एक छोटा सा और एक वेयरहाउस बनाऊंगा, जहाँ पे हम लोगों का फार्मिंग का सारा सामान रहेगा। तो गाइस उसमें आसानी होगी सब कुछ देखभाल करने में। तो यहाँ पे मैं और थोड़ा खाना दे देता हूँ यहाँ पे, अच्छा ये तो अभी फ़िलहाल भरा हुआ है, अच्छा और अच्छा एक बकेट भरने में तीन लगता है। अब यार मुझे ना बार बार दरवाज़ा का बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक सुअर भाग गया तो बस ख़त्म, मैं फिर से उन्हें लाना पड़ेगा। एंगेज यार मेरा जो वुडन का जो फ्रेम है, मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा कलर वगैरह करना चाहिए, बहुत मामूली सा लग रहा है देखने में। ओ भाई साहब चलो ये भी ख़त्म। एंगेज अभी हम लोग सोने जाने वाले हैं अभी जी। चलो गाइस हम लोग का आज का दिन ख़त्म, अभी हम जाएंगे सोने। तो गाइस आज लोगों का दिन हम लोगों का ख़त्म है इस, एंड इस दरवाज़ा का बंद नहीं करेंगे क्योंकि ये जो सुअर है थोड़ा बहुत टहल सकते हैं। तो चलो अभी इसका बाहर जाने का चूल मची है क्या। तो गैस अभी रात के 8 बज चुके गैस, अभी जाएंगे हम लोग सोने गैस, कल देखेंगे हम लोग का सुअर है उन लोगों से चूजे निकल रहे कि नहीं। तो चलो आ रहा हम लोग का टेंट। ओ भाई सुबह हो चुके हैं, सुबह के अभी 8 बजने वाले हैं। तो ऐसे मैंने ना 12 घंटे सोए हैं। अभी हम लोग फार्म पे जाके देखते हैं हम लोगों ने सुअर ने कोई बच्चे वगैरह दिए कि नहीं।
एंड गाइस यहाँ पर काफ़ी सारे मीट पड़ा हुआ है गाइस, मुझे सारे ना मीट को इकट्ठा करना पड़ेगा। तेरा हम लोग का आज का वीडियो गाइस, मैंने सोचा था कि और थोड़ा फार्मिंग वगैरह करेंगे, लेकिन एक दिक्कत हो गई गाइस क्योंकि मेरे पास अभी उतना रिसोर्सेस है नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं अभी तो गाइस आज के लिए बस इतने गाइस, मैंने सुबह के तो गाइस अभी सुबह के 9 बज चुके गाइस, अभी यहाँ पे देख सकते कितने सारे बारिश हो रहे हैं हम लोग के रेंज पे, एंड गाइस चारों तरफ देखो घोड़ा है कोड़ा, एंड गाइस चलो हम लोग अभी देखना है थे कि हम लोग का जितने भी पीक थे वो सही सलामत है कि नहीं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हम लोग का चारों पीक यहाँ पे ठीक ठाक है मुझे लग रहा है, उन लोगों को खाने पीने की कोई दिक्कत तो हो नहीं रही, तो मैं एक बार देख के आता हूँ। अब मेरा ही भाग जाता तो यहाँ पर दो है यानी बाहर भी दो घूम रहे हैं, तो चलो चार ठीक ठाक किया, एंड यहाँ पर थोड़ा टट्टी वगैरह कर लिया मैं, उसे भी थोड़ा साफ कर लेता हूँ वरना बहुत गंदा हो जाएगा। एंड गाइस ये कब बड़े होंगे पता नहीं, एंड गाइस जब बड़े होंगे मैं उन पीक को मार सकता हूँ, मार के इस लोगों का जो मीट है ना काफ़ी महंगे दाम पे मैं रेस्टोरेंट पे बेच सकता हूँ, ठीक है। ऐसे यहाँ पर देख सकते हो तो हम लोग जो खाना है वो भी चलो बहुत मतलब ठीक ठाक ही है, उतना यूज़ नहीं हुआ यहाँ पर, बस एक ही मतलब परसेंटेज कम हुए है 21 से 20 हुए है। चलो गाइस आज के लिए बस इतने गाइस, मिलते गए अगली वीडियो पे। तो गाइस ये काफ़ी छोटा वीडियो था फार्मिंग का, तो गाइस मैं अभी ना गेम को थोड़ा धीरे धीरे सीख रहा हूँ, तो गाइस धीरे धीरे मैं तुम लोगों को और भी अच्छे अच्छे गेम प्ले दिखाने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो को एंड तक देखने के लिए शुक्रिया गाइस, मिलते गए अगली वीडियो पे, बाय बाय टाटा सबको।